अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑन एक्स इंटरनेशनल से मैं हूं हैदर और आज आपके लिए लेके हैं ये 11 मरला का सुपर मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरी हाउस जो कि आ गया फॉर सेल पे हमारे पास। तो इसकी अगर लोकेलिटी की बात करें तो बैरिया टाउन फेज 8 की प्राइम लोकेशन पे घर लोकेटेड है और अकोमोडेशन में आपको 5 बेडरूम विद लग्जरी वॉशरूम्स, 2 किचन, आपको एक ह्यूज कार स्पेस और ड्राइंग डाइनिंग स्पेस मिल जाती है। इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ रॉक वॉल का काम किया हुआ है इसके फ्रंट एलिवेशन पे और टेरेस एरिया में आपको जो वुडन टाइल का इस्तेमाल मिलता है बहुत ही खूबसूरत और एक यूनिक कंट्रास्ट आपको मिल जाता है इसके फ्रंट एलिवेशन पे। वार्म लाइट के साथ इसको एनहेंस किया हुआ है और हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि सारे फ्लोर प्लान्स और डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बता सकूँ। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको इसका खूबसूरत ग्रीन एरिया मिल जाता है जिसमें प्लांटेशन का काम किया हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ह्यूज रोड्स आपको मिल जाते हैं 80 फीट वाइड और इसका अगर आप गेट देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हैवी गेज में इसके गेट को तैयार किया हुआ है, आपको CNC कटिंग का काम मिल जाता है। रैंप पे भी आपकी 2 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो सकती हैं। तो यहाँ से चलते हैं घर के अंदर और फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, ये आ गया इसका कार स्पेस जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। साइड अगर गली आप देखें तो यहाँ पे भी आप एक बड़ी सीडान इजीली पार्क हो सकती है। साइड वॉल को भी प्रॉपर डेकोर किया हुआ है आपके एस्ट्रोटर्फ के साथ और खूबसूरत स्टेप स्टोन्स के साथ। ये आ गई आपकी ड्राइंग स्पेस की विंडो और इसके अगर आपको सीलिंग डिज़ाइन दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है इसके गैराज का। 10-11 मरला का घर है तो आपको 2 साइड ओपन मिलेगा। ऑन द साइड वॉल खूबसूरत आपको टेक्सचरिंग का काम मिल जाता है जो कि बड़ी एक यूनिक सी लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस गैराज के पोर्च में आपको टाइल वर्क मिल जाता है सारा। 2 एंट्रेंसेस मिलती हैं आपको घर के अंदर इंटर होने के लिए। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको ड्राइंग की एंट्रेंस मिलती है और ये आगे इस घर की ग्रैंड वेलकमिंग एंट्रेंस। तो इसके अगर डोर की बात करें तो आपको सॉलिड वुडन में इसका डोर तैयार मिलता है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी किया हुआ है। तो यहाँ से चलेंगे हम घर के अंदर और सारे वाव फैक्टर्स आपको दिखाऊंगा। तो ये इंटर होते हैं हम घर के अंदर और इंटर होते साथ ही आपको इसका लॉबी एरिया मिलता है। ऑन द राइट साइड आपको इसकी स्टेयर केस मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। उसी के नीचे आपको इसका एक छोटा सा पाउडर रूम एरिया मिल जाता है, वो आपको दिखा दूँ जल्दी से। तो ये है इसका पाउडर रूम। अब चलेंगे मेन पार्ट ऑफ द हाउस में। तो ये है इसका लिविंग एरिया। आपके लिए इस दफ़ा लाए हैं ऊंची दीवारों वाला घर, क्योंकि अगर आप इसकी वॉल्स की हाइट देखें तो ऑलमोस्ट आपको 13 to 14 फीट हाइट मिलती है इसकी वॉल्स की। बहुत ही ह्यूज हाइट मिल जाती है आपको इस घर में। और इसके अगर सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखाऊं, नहायत ही शानदार सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल शैंडेलियर आपको प्लेस मिलता है जो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको डिज़ाइनिंग मिल जाती है इसकी वॉल पर। आपको टाइल वर्क मिलता है प्रॉपर जो बहुत ही महारत के साथ तैयार किया हुआ है। साइड पर आपको पैलिंग्स का काम मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिलता है इसका ड्राइंग स्पेस और उसके अगर आप डोर की हाइट चेक करें तो 12 फीट हाइटेड डोर्स आपको मिलते हैं इसके सेपरेशन के लिए। तो यहाँ से एंटर होंगे ड्राइंग स्पेस में, आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है इसकी और विंडो पैनल आपका आ गया। और ये आ गया इसका डिज़ाइनिंग वॉल जिसमें खूबसूरत मिरर का काम किया हुआ है। साइड पे आपको प्रॉपर 2 निशेस मिल जाती हैं जिसमें आपको लैंप्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं। और सीलिंग डिज़ाइन अब आपको दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलेंगे। साइड पे आपको मिरर वर्क मिल जाता है बड़ा ही ज़बरदस्त। यहाँ से चलेंगे बाहर और अब आपको लेके जाऊँगा इसके बिल्कुल ही ऑन द फ्रंट पे इसका किचन आपको मिल जाता है, तो वो आपको जल्दी से दिखाऊँ। तो बहुत ही खूबसूरत किचन आपको तैयार मिलता है यहाँ पर। स्टार्ट से आपको दिखाता चलूँ तो खूबसूरत आपको मिरर विंडोज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, मिरर डोर्स आपको मिल जाते हैं। और इसके अगर आप कैबिनेट्स देखें तो बहुत ही खूबसूरत कैबिनेट्स आपको तैयार मिलेंगी। इसमें मिरर डोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, खूबसूरत कलर पैलेट्स का यूज़ किया हुआ है। आपको ग्रेनाइट ब्लैक का काउंटर टॉप मिल जाता है। चूल्हा और हुड आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेगा। साइड पर अगर आपको दिखाऊँ तो ब्लैक शीट का इस्तेमाल किया हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ। डबल डोर फ्रिज की जगह आ गई, आपको माइक्रोवेव और ग्रिलर यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलता है। ये डोर आपको मिलता है आपकी साइड गैलरी में जाने के लिए, तो इसको खोल लेते हैं, लॉक हुआ हुआ। ये आ गई आपकी साइड गैलरी जिसमें आपको 2 गीजर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। स्पाइरल स्टेयर्स आपको मिल जाती हैं छत पे जाने के लिए। और यहाँ से अब आप चलेंगे इसके बेडरूम्स में, तो 5 बेडरूम्स जैसे मैंने आपको बताया वो मिल जाते हैं। लेकिन जो इसके बेडरूम्स की हाइट है, ये है इसका मास्टर बेडरूम। तो इंटर होते साथ ही फ्रंट पे आपको मिल जाती है इसकी विंडो। ऑन द साइड आपको एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग वॉल मिलती है,
बिल्कुल ही उसके साथ आपको इसका वार्डरोब एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको मिरर डोर्स मिलते हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन्स पे देखे होंगे। और सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है विद प्रोफाइल लाइट। और ये आ गया इसका वॉशरूम, मिरर इंस्टॉल्ड मिल जाता है, खूबसूरत मेंटी सेटअप आपको मिलता है बिल्कुल ही उसके साथ, शॉवर एरिया आपको मिल जाता है और कमोड मिल जाता है, वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है आपको वॉशरूम्स में भी। तो यहाँ से चलेंगे और अब आपको जाएंगे इसके सेकेंड बेडरूम में। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको साइड कॉर्नर्स पे दो हैंगिंग लैंप्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत से आपको डिज़ाइनिंग वॉल प्रॉपर मिलती है, साइड पे आपको दो निशेज मिलती हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि ये टेढ़ा हुआ है तो टेढ़ा नहीं है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। बिल्कुल ही उसके सामने मिल जाता है आपको इसका वार्डरोब एरिया और बिल्कुल ही उसके साथ आ गया आपका वॉशरूम। एक और मज़े की बात इस रूम की आपको दिखा दूँ, पहले वॉशरूम दिखा दें। खूबसूरत मेंटी सेटअप आपको मिल जाते हैं, टाइल बहुत ही ज़बरदस्त आपको इफेक्ट मिलती है, यहाँ पे शॉवर एरिया आ गया। और अगर आप इसकी साइड विंडो के से देखें तो खूबसूरत आपको डिज़ाइनिंग वॉल मिलती है आपकी साइड गैलरी पे, आपको खोल के दिखा दूँ ज़रा। तो ये ओपन हो गया और ये आ गई आपकी एक खूबसूरत वॉल, जो कि अगर आप रात को इसको इमेजिन करेंगे तो बहुत ही एक यूनिक सी लुक आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे प्लांटर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगे। यहाँ से चलते हैं बाहर फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ की आपको सारी डिज़ाइनिंग दिखा दूँ। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, और भी बहुत खूबसूरत घर वहाँ पर हमने अपलोड किए हुए हैं तो उनको जाके देखें, और जो भी पसंद आता है हमारे साथ उसकी डील बनाएं। खूबसूरत आपको इसके मार्बल फ्लोरिंग के स्टेप्स मिल जाते हैं, और अगर साइड रिलिंग्स देखें तो आपको टेम्पर्ड ग्लास में इसकी रिलिंग्स मिल जाती हैं, जो कि एक बड़े ही मज़े का खूबसूरत एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ये एंटर हो गए हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे और आपकी आ गया लिविंग एरिया। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसका थर्ड बेडरूम, जो कि जिसकी विंडो ओपन होती है आपके फ्रंट फेसिंग पे, कॉर्नर विंडो आपको मिल जाती है, टेरेस एरिया आ गया, बहुत ही खूबसूरत वुडन टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप बाहर का व्यू देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी आपको मिलती है इस ब्लॉक में, डिज़ाइनिंग आपको वॉल्स मिल जाती हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, पंखा इंस्टॉल मिलेगा, वॉलपेपर लगा हुआ है इस वॉल पे, बड़ा ही खूबसूरत सा एक हल्के रंग का वॉलपेपर आपको मिलता है, ठंडक फील होती है। ये आ गया आपका वार्डरोब सेटअप और वॉशरूम, खूबसूरत मेंटी सेटअप अगेन आपको मिल जाता है, ह्यूज मिरर इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा, सेपरेट शॉवर एरिया आ गया। और बिल्कुल ही उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिरर ह्यूज इंस्टॉल्ड मिलता है, यहाँ से आप अलमारी खोलेंगे और अपने सारे कपड़े शपड़े देखेंगे। यहाँ से चलेंगे बाहर और अब आपको दिखाऊंगा इसका एक और वाव फैक्टर, खूबसूरत आपको इसकी डिज़ाइनिंग वॉल मिलती है जिसमें आपको टाइल वर्क मिलता है, साइड पे पैनल्स मिल जाते हैं, और उसके बिल्कुल ही अपोजिट आपको इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। इसका सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलेंगे, दो शैंडेलियर प्लेस्ड हैं यहाँ पर। और ये आ गया इसका वाव फैक्टर, आपको मेज़ानाइन फ्लोर मिल जाता है ऊपर ही किचन के ऊपर, लेकिन इसका जो किचन है बहुत ही आला किचन आपको तैयार मिलता है, ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर आपको मिलता है, खूबसूरत कलर पैलेट्स का यूज़ किया हुआ है, ग्लॉसी शीट्स इस्तेमाल की हुई हैं, आपको यहाँ पे मिरर डोर्स मिल जाते हैं, चूल्हा हुड आपको इंस्टॉल्ड मिलता है। और अगर यहाँ से आप अपने बैक व्यू देखें तो बहुत ही प्यारा बैक व्यू आपको मिल जाता है, बर्तन धोने का सिस्टम आ गया, लेकिन जो अपर पोर्शन का किचन है बहुत ही खूबसूरत किचन आपको यहाँ पे तैयार मिलता है, और जो लाइट्स वाइट लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है बड़ा इन्हेंस कर रहा है आपके किचन को। ये है इसका फोर्थ बेडरूम, तो यहाँ पे एंटर होते हैं और अगेन आपको विंडो मिल जाती है, उसके साथ ही आपको एक डिज़ाइनिंग वॉल मिलती है बहुत ही खूबसूरत सी, आपको पास से अगर दिखा दूँ तो प्रॉपर वॉलपेपर इंस्टॉल्ड किया हुआ है, सीलिंग डिज़ाइंस अगर आप देखें बहुत ही प्यारे सीलिंग डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट आपको मिल जाती है इसकी वार्डरोब। तो ये है इसका वार्डरोब सेटअप और बिल्कुल इसके साथ आ गया इसका वॉशरूम, वॉशरूम बहुत ही मिनिमल स्टाइल में तैयार किए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत भी ओवर वर्क नहीं किया हुआ वॉशरूम्स में, नॉर्मल जितना वॉशरूम होता है उतना ही अच्छा होता है। ये है इसका फिफ्थ बेडरूम, तो आपको एक ह्यूज साइज मिल जाता है इसके बेडरूम्स का, वार्डरोब एरिया आप देख लें, और इसका अगर सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ही मिनिमल स्टाइल में इसकी सीलिंग्स डिज़ाइन है, पूरा घर तैयार हुआ है। आपको वॉशरूम एरिया आ गया, ह्यूज मिरर आपको इंस्टॉल मिलता है विद स्पॉट लाइट्स, और ये है इसके वॉशरूम का व्यू। अब यहाँ से चलेंगे इसके मेज़ानाइन फ्लोर पे और फिर वहाँ से आपको लेके जाऊँगा इसकी छत पे। तो ये है मेज़ानाइन पे जाने के लिए रास्ता, खूबसूरत स्टेयर केस आपको मिलती हैं, मार्बल का इस्तेमाल किया हुआ है इसकी स्टेयर केस पे भी, और ये आ गया इसका मेज़ानाइन फ्लोर। ऊपर आपको खूबसूरत विंडो सेटअप्स मिल जाते हैं जहाँ से आप अपने बैक का व्यू सारा देख सकते हैं अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे। और ये है इसका छोटा सा मेज़ानाइन फ्लोर, इजी हो कि यहाँ पे बैठे अपना सारा काम शाम करें, अपना आप एज अ कॉफ़ी के लिए, अपनी किसी भी चाय शाय के लिए, वर्क के लिए आप काम कर सकते हैं। ये है छत पर जाने के लिए रास्ता, और ये आ गया आपके छत का व्यू।
ये स्पाइरल स्टेयर्स जो आपको साइड गली से मैंने बताई थी, और यहाँ से अब हम चलेंगे इसके छत के ऊपर। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि 15 kVA का सोलर सिस्टम आपको इस घर में इंस्टॉल मिलेगा इसी प्राइस टैग में। तो आप इस घर की अगर डिमांड की बात करें तो 5,25,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। तो इसकी अगर आपको यहाँ छत के ऊपर से कम्युनिटी दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी में आपको ये घर तैयार मिल जाएगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे। तो बहुत ही हाइटेड लोकेशन है बैरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद की। यहाँ पे आपको प्रॉपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड करके ये घर हैंड ओवर करेंगे। व्यूअर्स, ये था आपके 11 मरला खूबसूरत घर का डिटेल्ड व्यू। डिमांड आपको मैंने बता दी है, 5,25,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है जो कि निगोशियबल है। तो इस घर की कोई भी डील बनाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और वहाँ पे इस खूबसूरत घर की डील बनाएं। और ऐसे मज़ीद खूबसूरत घर देखने के लिए हमारा YouTube चैनल ऑनेक्स इंटरनेशनल, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके और ज़्यादा ऐसे घर देखें। सो कीप वॉचिंग ऑनेक्स इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।